Hello friends, welcome to 24 knowledge official YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी LBT कंडीशंस के बारे में और फ्रेंड्स इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये नोटिफिकेशन है RRC NCR में, ये फ्रेंड्स आपके यहां पर जारी की गई है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप, जो कि फ्रेंड्स यहां पर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 15 नवंबर 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिसशिप जो जॉब होती है ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती, ये आपकी एक ट्रेनिंग होती है जो कि आपको गिवन पीरियड तक करनी होती है। अब यहां पर फ्रेंड्स बेनिफिट क्या है अप्रेंटिसशिप करने का, तो उसके लिए देखिए, जो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, ओपन मार्केट की जो वैकेंसीज होती है, पोस्ट या कैटेगरी जो कि लेवल 1 की रहती है, उनको फ्रेंड्स यहां पर जो सीट्स हैं उनकी 20% सीट्स वैकेंसीज आपकी रिजर्व रहती हैं अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। तो यहां पर अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से तो आपको बेनिफिट मिल जाता है लेवल 1 की पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आपको इसके लिए फ्रेंड्स अप्लाई ऑनलाइन करना होगा 15 नवंबर 2023 से। अब बात करते हैं इसकी एलबीटी कंडीशंस की और वैकेंसी डिटेल की। तो सबसे पहले एलबीटी क्राइटेरिया देखिए, यहां पर जो एज है वो 14 दिसंबर 2023 मतलब क्लोजिंग डेट पर काउंट होगी। आपका जो एज है वो मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज फ्रेंड्स आपका 14/12/2023 को ही काउंट होगा। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में छूट मिल जाएगी, जैसे SC ST OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको अपर एज की छूट मिल जाती है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की, PH कैंडिडेट को 10 साल की। तो फ्रेंड्स यहां पर इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया लास्ट डेट पर काउंट किया जाएगा। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ की जो रेंज है वो भी आपको यहां पर दी गई है, जनरल के लिए, SC ST OBC EWS के लिए। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन इशू डेट है 10 नवंबर 2023, इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपेयरिंग या जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका पास आउट होना, 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है और ये 50% मार्क्स के साथ कम से कम आपका यहाँ पर होना चाहिए। और साथ में फ्रेंड्स आपका जो है ITI इन रिलेवेंट ट्रेड, जो कि NCVT या SCVT अप्रूव्ड होना चाहिए, आपका क्लियर या पास आउट होना जरूरी है। अब ITI जो है वो NCVT अप्रूव्ड हो या SCVT अप्रूव्ड हो, आप दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ट्रेड है वो आपको देखिए, टोटल यहाँ पर 21 ट्रेड आपको दी गई हैं, इन ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 10th पास आउट होना ज़रूरी है, पर साथ में आपका ITI पास आउट होना भी यहाँ पर ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जिनका रिजल्ट 10/11/2023 तक जारी नहीं हुआ है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेड वाइज स्लॉट भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे कहा गया है कि अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं रिजर्व कैटेगरी का, जैसे SC ST का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC का है तो आपका जो करंट ईयर है 22-23 का सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये फ्रेंड्स 1/4/2022 के बाद ही आपका जारी होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर EWS के लिए भी आपको जानकारी दी गई है, तो EWS का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है और किन के द्वारा इशू होना चाहिए वो जानकारी आपको दी गई है। पेमेंट ऑफ फीस की बात कर लेते हैं, तो आपको यहां पर फीस का पेमेंट भी करना होगा, 100 रुपीज़ जनरल OBC EWS के लिए है। अगर आप SC ST PH या वुमेन कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही जमा करानी है, ऑनलाइन मोड में ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही फीस आपको यहाँ पर पे करनी है। जिनकी फीस नहीं लगती है उनको फीस पे नहीं करनी है, बाकी कैंडिडेट जनरल OBC EWS के कैंडिडेट को फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीस है वो ऑनलाइन मोड में आपको जमा करानी होगी।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आने पर आपको यहाँ पर पीएच कैटेगरी की कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होगा यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट का वो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी एवरेज निकाली जाएगी परसेंटेज ऑफ मार्क्स की, जो कि फ्रेंड्स आपने मेट्रिकुलेशन में और आईटीआई एग्जाम में आपने जो है पास की है उनका एक इक्वल वेंटेज निकाला जाएगा। उसके बेसिस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बेसिस पर ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और ये 1.5 टाइम आपका रहेगा वैकेंसीज का। इसके अलावा कोई भी रिटर्न एग्जाम या वाइवा टेस्ट आपका यहाँ पर नहीं होगा। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो फ्रेंड्स यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज यहाँ पर जारी की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको ट्रेनिंग पीरियड बताया गया है, तो जो ट्रेनिंग पीरियड है वो एक साल का रहेगा। स्टिपेंड आपको ट्रेड वाइज यहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी नहीं मिलती क्योंकि कोई जॉब नहीं है या आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको यहाँ पर भत्ता मिलता है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप आरआरसी प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। साथ में जैसे ही इसका अप्लाई का लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको आपका आधार कार्ड नंबर भी देना है और आपके जो मेल आईडी है, आपका जो मोबाइल नंबर है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन फीस को पे करेंगे और उसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे। आप केवल एक ही डिवीजन या वर्कशॉप के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको मल्टीपल ट्रेड के लिए अप्लाई आपको यहां पर नहीं करना, नहीं तो आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करने हैं, इसमें 10 की मार्कशीट है, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, आपकी आईटीआई की मार्कशीट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी अप्रूव्ड है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, ये सब आपको यहां पर अपलोड करने होंगे जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा आपको फोटो एंड सिग्नेचर यहां पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहां पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस यहां पर मिल जाते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को यहां पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज की डिटेल की, तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स एनेक्सर ए जो कि पेज नंबर 14 पर आपको मिलता है, यहां पर आपको स्लॉट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले जैसे प्रयागराज डिवीजन, इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, आपको ट्रेड का नाम, स्लॉट्स कितने हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको यहां पर दी जाती हैं। इसके अलावा झांसी डिवीजन में आपको वैकेंसीज यहां दी गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स वर्कशॉप झांसी में आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी, आगरा डिवीजन में आपको वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं, आप कोई भी एक डिवीजन या फ्रेंड्स आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो सर्टिफिकेट है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका जो परफॉर्मा है वो आपको दिए गए हैं, तो इसी तरह के परफॉर्मा आपके होने चाहिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको देखिए अप्लाई यहां पर करना है, तो आपको जो लिंक है वो 15 नवंबर 2023 को ओपन हो जाएगा, तब से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन। और ध्यान रखिएगा अप्रेंटिसशिप कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, या कि आपकी एक ट्रेनिंग होती है जो कि गिवन पीरियड में आपको करनी होती है। और इससे बेनिफिट क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि लेवल वन की जितनी भी वैकेंसीज आपकी जारी होंगी रेलवे में, उसमें फ्रेंड्स 20% जो वैकेंसीज है वो रिजर्व रहती हैं और जो अप्रेंटिसशिप करने का बेनिफिट आपको वहां पर मिल जाता है। तो यहां पर जितनी भी जानकारी है ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप jobrasta.com पर जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।